1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम में से कौन टीम बनी है जो कि 1000 वनडे मैच खेली है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। दोस्तों भारत ने अपना पहला जो वनडे है वो 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और 1000 वनडे टीम खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट टीम बनी है। और दूसरी जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया की, और थर्ड पे नंबर आता है पाकिस्तान का, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपको पता ही होगा लता मंगेशकर जी का राइट आंसर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसे ध्यान रखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरू। आगे देखेंगे, इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल भाटिया। तो राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे। तो राहुल भाटिया भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। ये इंडिगो के पहले एमडी हैं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। आगे देखेंगे, किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी, भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस योजना को लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इस योजना को 2019 में राशन कार्डों की अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे जी। भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी दिन में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे।